नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है इनपुट आउटपुट और स्टोरेज को लेकर के। इसमें हम इनपुट डिवाइस देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। लास्ट चैप्टर में हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था, उसे आगे लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को इनपुट किया जाता है, उसे दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो कॉमनली यूज होने वाली हैं दो, उन्हें हम बात कर लेते हैं। पहला होता है कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड में कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये एक अलग ही पड़ी है एस्केप की। ये होती है पूरी आपकी फंक्शंस की, जो चार चार के पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होती है। ये इस प्रकार से चार चार के पार्ट में डिवाइड होती है। ये फंक्शन की होती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग ये चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे तीन की और होती हैं जिनमें प्रिंट स्क्रीन डिलीट ये आती हैं। अगला होता है आपका यहाँ पे ये ग्रुप। यहाँ पे आपको मिलेंगे आपको अल्फाबेट्स आपके सारे ए से लेकर जेड तक। यहाँ पे होती है नंबर कीज, ये बिग स्पेस। यहाँ पे मैं आपको कुछ कंट्रोल कीज और कीज किस प्रकार से काम करती हैं उस बारे में आपको बताता हूँ। ये बैक स्पेस की है और ये एक है डिलीट की, ये यहाँ पे होती है। देखिए कर्सर ये मान लीजिए आपका कर्सर है। इस कर्सर के आपको लेफ्ट हैंड साइड अगर डिलीट करना है तो आपको यूज करना होता है बैक स्पेस की, और कर्सर के राइट हैंड साइड में आपको अगर डिलीट करना है तो आपको यूज करना होता है डिलीट की। तो ये इस प्रकार से आप कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। अगली होती है यहाँ पे होता है आपका ये टैब। अगर आप किसी फॉर्म वगैरह को फिल कर रहे हैं और आपको किसी दूसरे फील्ड पे जाना हो बिना माउस के यूज किए, तो आप इसे टैब को जैसे जैसे प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका अलग अलग उस पे टेक्स्ट फील्ड पे जंप करता है। उसके नीचे होती है कैप्स लॉक, इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। अगर इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं तो एक लाइट ब्लिंक होती है और आप जो भी लेटर्स लिखते हैं ए से लेकर जेड तक के, वो सारे के सारे आपके कैपिटल होते हैं। डीएक्टिवेट करने के लिए इसको एक बार और प्रेस कर दिया जाता है। इसके नीचे होती है शिफ्ट। ये शिफ्ट की वो की होती है जिसके द्वारा आप जिस अल्फाबेट को कैपिटल करना चाहते हैं तो इसको दबा प्रेस करके रखते हैं और उसके बाद उस की को प्रेस करते हैं जिससे वो कैपिटल हो जाती है। अगर कैप्स लॉक एक्टिवेट होगा तो वो स्मॉल के रूप में काम करेगा, यानी दोनों तरह से काम करता है। यहाँ पे होती है आपकी कंट्रोल की, यहाँ और यहाँ। ये कंट्रोल्स की जो हैं ये आपके शॉर्टकट्स के रूप में काम में आती हैं। यहीं पे आपकी अल्टर की होती है, एक अल्टर की स्पेस बार के इस तरफ और दूसरे अल्टर की स्पेस बार के दूसरी तरफ दिखाई देती है। ध्यान देने वाली बात होगी ये भी कुछ समय फंक्शंस या सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के काम में आती है। मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि अल्टर की प्रेस करने के बाद अगर किसी सॉफ्टवेयर के मेन्यू के किसी अल्फाबेट के नीचे अगर अंडरलाइन दिखाई दे रही है तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपको दोनों हाथों पर दिखाई देगी, ये विंडोज की है, यहाँ भी आपको ये विंडोज की दिखाई दे रही है, दोनों हाथ पे होती है, ये भी यूज करने के लिए आती है। एक की होती है आपकी ये वाली जिसे हम राइट क्लिक के नाम से जानते हैं, ये ठीक वैसे ही काम करती है जैसे माउस पे राइट क्लिक किया जाए और जो ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं उसे आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगली कीज आती हैं होम एंड पेज अप पेज डाउन डिलीट एंड, इस प्रकार की कीज यहाँ पे आपको दिखाई देती है। इस ग्रुप में अलग अलग समय पे ये चीज़ें काम करती हैं। ये नेविगेशन की कहलाती हैं जो एरो की होती हैं आपकी, डाउन अप लेफ्ट राइट यूज में वो काम आती हैं। ये होते हैं आपके नंबर पैड और नंबर पैड के साथ में कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे काम में आती हैं। अगली जो इनपुट डिवाइस होती है वो होती है माउस। देखिए यहाँ पे दो तरह के माउस दिखाई दे रहे हैं, ये माउस है आपका लेजर माउस जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी से काम करता है, और ये माउस दिख रहा है आपको ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता था? ऑप्टिकल माउस में एक व्हील होता था और
सेंसर नहीं होता था, यहाँ पे एक बॉल होती थी, उस बॉल को सरफेस पे घुमाया जाता था, जैसे जैसे वो बॉल मूवमेंट करती थी वैसे वैसे ये सेंसर, रबर का सेंसर होता था, रबर का बॉल जो सेंसर्स को सिग्नल्स भेजता था और आपके डेस्कटॉप पे उस पॉइंटर को मूव करता था। अगली डिवाइस होती है आपकी स्कैनर। स्कैनर भी तीन प्रकार की इसकी कैटेगरीज हैं, एक है फ्लैटेबल स्कैनर जो सीधे सीधे इमेज को रख दिया जाता है और उसे स्कैन कर लेता है, दूसरा स्कैनर होता है हैंड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर के सबसे अच्छे उदाहरण हैं बारकोड वगैरह के स्कैनर्स जो यूज़ किए जाते हैं। अगला स्कैनर होता है आपका ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर ठीक उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे आप किसी पेपर को ड्रम पर रोल करके रखते हैं और उसके बाद ये स्कैन कर लेता है। अगली जो इनपुट डिवाइस है हमारी जॉयस्टिक, लास्ट टाइम भी आपको बताया था जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा ऐसा उपकरण है जो गेम खेलने के लिए, गेमिंग के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। जी हाँ, ये बनाया ही गेम खेलने के लिए है। इसमें कई सारे बटन्स होते हैं जिसे आप देख पा रहे हैं। अगला है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सभी को पता है कि इससे कंप्यूटर में साउंड रिकॉर्ड किया जा सकता है या फिर कंप्यूटर में साउंड के इंस्ट्रक्शन अगर देना होते हैं तो इसमें इसके द्वारा हम देते हैं। अगला इनपुट यूनिट होता है आपका लाइट पेन। बहुत शानदार चीज़ होती है लाइट पेन। लाइट पेन सीधे स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, जिस प्रकार से हम कागज़ पर पेंसिल से या पेन से लिख सकते हैं लेकिन कंप्यूटर पर नहीं लिखा जा सकता, कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। अगला है ये है बार कोड। इस बार कोड को रीड करने के लिए जो स्कैनर होता है वो होता है आपका ये बार कोड रीडर। देखिए MICIR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ये एक्चुअल क्या होता है, जब चेक होते हैं आपके तो चेक में नीचे एक ये कुछ कोड लिखे हुए होते हैं जो इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, इन कोड को पढ़ने के लिए जिस स्कैनर का यूज़ किया जाता है उसे हम MICR स्कैनर कहते हैं। अगला होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, जिसे OCR के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कैरेक्टर सेट को पढ़ सकते हैं। अगला होता है आपका डिजिटल कैमरा, उसके द्वारा आप किसी पिक्चर को कैप्चर करके या वेबकैम के द्वारा कैप्चर करके आप इसे अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जब आप सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो इसी वेबकैम का यूज़ किया जाता है। अगला आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को आप ऐसे समझ सकते हैं जिस फोन पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो टच स्क्रीन फोन पे देख रहे हैं, जो आपके फिंगरप्रिंट के सेंसर को कैप्चर करता है और एक्टिविटी को ट्रैक करता है। अगला होता है ग्राफिक टैबलेट, ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से मैपिंग वगैरह की जाती है, ये इंजीनियर लोग यूज़ करते हैं, जो कि एक टैबलेट के रूप में होता है और इसके साथ में एक ये पेन भी होता है। स्मार्ट कार्ड, जी हाँ ये स्मार्ट कार्ड है और ये स्मार्ट कार्ड रीडर है। स्मार्ट कार्ड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका लाइसेंस है या फिर आपका जो ATM कार्ड है जो अब स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्मार्ट कार्ड की चिप होती है, इसमें ID, पासवर्ड और इसके साथ साथ जो संबंधित डेटा होता है वो आप इसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं और उसे जब भी इस स्मार्ट कार्ड रीडर में लगाया जाता है तो आपकी इंफॉर्मेशन को फेच कर लेता है। बायोमेट्रिक सेंसर, इसे आप ऐसे बायोमेट्रिक सेंसर आपकी फिंगरप्रिंट्स को लेता है। फिंगरप्रिंट एक यूनिक चीज़ होती है, इसलिए दूसरे व्यक्ति से इसका मैच नहीं होता है, इसलिए फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ किया जाता है। आपके मोबाइल फ़ोन भी फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल में भी इसे देखने को मिल सकता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, अब ये OMR शीट कहलाती है। आपने कई प्रकार की एग्जाम्स दी होंगी जिसमें गोले ब्लैक करने के लिए आते हैं, ये वही OMR शीट कहलाती है और ये होता है उसका स्कैनर। ये किस प्रकार से वर्क करता है इस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे आप जिस गोले को ब्लैक करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन उसको कैच करता है, कैप्चर करता है और उसके द्वारा ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। अगला आता है आउटपुट डिवाइस। आप सभी को पता है रिजल्ट जो भी जनरेट होता है CPU के द्वारा और मॉनिटर पर जो दिखाई देता है या किसी सॉफ्ट कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में जो भी रिजल्ट मिलता है उन सबको आउटपुट कहा जाता है।
तो वो आउटपुट जनरेट करने वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले कॉमनली जो डिवाइसेस होती है वो होता है आपको मॉनिटर। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। पहला जो मॉनिटर आता है आपका वो होता है आपका सीआरटी, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। फिर मोनोक्रोम आए, मोनोक्रोम यानी उसमें 8 कलर्स होते थे, ब्लैक ग्रे और व्हाइट के बीच में ये कलर्स बनते थे। उसके बाद कलर मॉनिटर आए। कलर मॉनिटर के बाद में एक मॉनिटर और आया जिसे हम एलसीडी के नाम से जानते हैं, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर भी कहा जाता था। इसकी एक खास बात ये थी कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी वो मॉनिटर से कम होती थी, लेकिन इसका एक दोष भी था, वो ये था कि आप इसे ज़्यादा समय तक देख नहीं सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, जब इसे आप साइड से देखते थे तो वो स्क्रीन आपको हल्की हल्की ब्लैक दिखाई देने लगती थी। इसलिए इस अगली टेक्नोलॉजी आई, जो आई आपकी टीएफटी, जिसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी रही, लेकिन अभी 4K और इससे भी इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है जिसपे आप देखकर आपकी आंखों में थकावट नहीं होती है। अगला हम बात करेंगे प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर भी दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो डायरेक्ट पेपर यानी कागज के कांटेक्ट में आता है। किस प्रकार से ये वर्क करते हैं और कौन कौन से प्रिंटर हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं आपके बैंकों में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पासबुक को प्रिंट करने में, डेटा को लेने में। इसका पेपर भी जो होता है बहुत बड़ा पेपर होता है, जनरल A4 पेपर से बड़ा होता है। और इसकी जो वर्किंग प्रणाली है बहुत शानदार है, कि जो पिन्स आप देख रहे हैं ये हेड होते हैं, और जो शब्द प्रिंट करने के लिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये पिन पिंच करते हैं, पिंच करते हैं, और पिंच करने पर कागज और इस पिन के बीच में एक रिबिन होती है, ब्लैक रिबिन, जिससे जैसे ही पिंच करते जाते हैं वैसे वैसे ही पेपर पर उसका आउटपुट बनता जाता है और पेपर पर प्रिंट होता चला जाता है। ध्यान देने वाली बात, एक और चीज़ बताऊंगा कि ये प्रिंटर लेस बहुत कम खर्चे में यूज किए जा सकते हैं, इसका जीरो मेंटेनेंस बनता है। अगला प्रिंटर होता है डेजी व्हील। जी हाँ, जिसे नाम से ही है, व्हील। इसमें जो आपके कैरेक्टर होते हैं वो एक व्हील में लगे हुए होते हैं, और जैसे जैसे वर्ड बनाना होता है वैसे वैसे व्हील उसको पेपर पे प्रिंट करता चला जाता है। अगला आता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर भी वैसे ही काम करता है जैसे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला प्रिंटर जो होता है डॉट मैट्रिक्स। यहाँ पे ड्रम पर कई सारे अल्फाबेट होते हैं, जैसे जैसे उसको अपने अल्फाबेट मिलते जाते हैं वैसे वैसे ये कागज पे इम्पैक्ट बनाते हुए हैमर से चला जाता है, हैमर ब्लिंक होता है और पेपर पे प्रिंट बनता जाता है। दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो डायरेक्ट पेपर्स के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन से प्रिंटर हैं। सबसे पहला इसका प्रिंटर है लेजर जेट प्रिंटर। लेजर जेट प्रिंटर की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, काफ़ी जल्दी बहुत ज़्यादा पेपर्स प्रिंट जब लेने होते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। इनकी नई टेक्नोलॉजी में आप इसे मोबाइल से भी प्रिंट दे सकते हैं, जो वाईफाई प्रिंटर के रूप में जाने जाते हैं, या लेन में सीधे कनेक्ट करके इसे प्रिंटर, एक ही प्रिंटर को कई लोग यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रिंटर होता है आपका इंक जेट प्रिंटर। जी हाँ, जैसे नाम से ही है इंक। इसमें जो यूज़ किए जाने वाली इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और वो 3 कलर या 4 कलर जो RGB या CMYK में हो सकती है इंक यूज़ की जाती है। ये लेज़र प्रिंटर से थोड़े से स्लो चलते हैं। अगला आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर की खास बात यह है, ये 200 वर्ड प्रति सेकंड प्रिंट कर सकता है। इसी के साथ साथ ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर आपको ATM होते हैं, फैक्स मशीन होती है, इस टेक्नोलॉजी को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगला होता है प्लॉटर्स। प्लॉटर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। प्लॉटर्स वो होते हैं जहाँ आप फ्लैक्स बैनर बनाते हैं, ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं, या फिर इंजीनियर लोग इसका यूज़ करते हैं। अगली आउटपुट यूनिट है आपकी, वो है आपके स्पीकर्स। जी हाँ, ये साउंड जनरेट करने के लिए काम में आता है। स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं आपकी,
उसमें आपको दो तरह की डिवाइस मिलती है। पहले होती है आपकी इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज से मीन है कि ये इंटरनली डेटा को सेव करके रखती है। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होता है सबसे पहले इसी रैम में आकर के स्टोर होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है। आप किसी भी प्रकार की जो फाइल बनाते हैं सबसे पहले इसी मेमोरी में आकर के स्टोर होता है। ये आपकी रीड ओनली मेमोरी जिसे हम रोम के नाम से भी जानते हैं। ये रोम इस रोम में इस मेमोरी में सिस्टम स्टार्ट होने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगली होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के लिए वर्क करती है, जो स्टोरेज में से सेकेंडरी स्टोरेज में से कुछ मेमोरी ले लेती है और अपने काम करने के लिए इसे यूज करती है। अगली होती है आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं जो प्राइमरी मेमोरी के डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए काम में आती हैं। इनमें सबसे पहले जो डिस्क होती है वो होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। जी हाँ, फ्लॉपी डिस्क दो तरह के वर्जन में आती थी, एक होती थी 3 इंच में, एक होती थी 5 इंच में। ये फ्लॉपी डिस्क अब यूज में नहीं आती। अगला है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे HDD के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं और यह CPU के इनसाइड होता है। अगला आता है CD-ROM, या इसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डेटा 700 MB तक स्टोर करके रखा जा सकता है। अगला आता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जी हाँ, यह CD जैसी होती है लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी होती है जो डेटा को ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रख सकती है, जो 4.5 या फिर 17.5 तक डेटा के स्टोर को रख सकती है, स्टोर करके रख सकती है। अगला होता है आपका पैन ड्राइव। पैन ड्राइव इसे हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, जो डेटा ट्रेवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये होती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में 25 GB से 50 GB तक का डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है। दिखने में ये बिल्कुल सीडी की तरह होता है। मेमोरी स्टिक, जी हाँ, मेमोरी स्टिक को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं मेमोरी कार्ड। इसमें डेटा स्टोर करके रखा जाता है इस मेमोरी को कैमरे और मोबाइल फोन में यूज किया जाता है। अगला आता है मेमोरी की मेजरमेंट। 1 KB जो होता है आपके वो बनता है 1024 बाइट से। जब ये 1 KB यानी 1024 KB मिलकर के ये बनता है आपका 1 MB। 1024 MB से मिलकर बनता है 1 GB। इसी प्रकार से ये टेराबाइट, पेटाबाइट, एटाबाइट और जेटाबाइट से बनता है। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ आपको कि आप जब पेन ड्राइव लेने जाते हैं तब आपको उसका पूरा स्टोरेज, या आप जब भी मेमोरी कार्ड लेने जाते हैं तब आपको पूरा स्टोरेज नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए आपने 16 GB की एक पेन ड्राइव ली तो आपको 14 GB के आसपास ही उसमें डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1024 का मेजरमेंट लेकर के वो कर रहा है, लेकिन जब भी मेमोरी बनाई जाती है, स्टोरेज बनाया जाता है उसका, हार्ड डिस्क बनाई जाती है, तब कंपनीज अपने फायदे के लिए ये 24 को कैलकुलेट नहीं करती है, वो 1000 मान के ही चलती है। इसलिए ये स्टोरेज हमें कम स्टोर करने के लिए मिलता है। थैंक यू।